जिला परिषद प्रत्याशी अकमल शमशी ने टेढ़ाघाट प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायत में नदी से कटाव हो रहे क्षेत्र का जायजा लिया। इसी क्रम टेढ़ाघाट प्रखंड क्षेत्र के भोरा पंचायत के फुलवड़िया अथवा नदी कटाव की चपेट में है। तस्वीरों में देख रहे कि नदी घर के बगल में आ गया है और कटाव तेज है। हालांकि जलसंसाधन विभाग द्वारा बम्बू पालिंग किया गया है, लेकिन वो नाकामी साबित हो रहा है। तस्वीरों में देख रहे हैं कि कटाव की वजह से लोग अपने गाछ वृक्ष को काट कर दूसरी जगह जाने में विवश है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टेढ़ाघाट प्रखंड क्षेत्र के भोरा पंचायत के फुलवड़िया बाजार का, जहाँ रतुआ नदी की तांडव से नदी किनारे बसे गाँव के लोगों को बढ़ गई है परेशानी। हालांकि जलसंसाधन विभाग द्वारा कटाव रोधक कार्य किया गया है, लेकिन वो नाकामी है। कुछ जगह किया है, कुछ जगह नहीं, जिससे नदी किनारे बसे गांव के लोगों को भय का माहौल सता रहा है कि कई बार ना आ जाए तो हम लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। आज भी आदिवासी समाज के लोग मूलभूत सुविधा से वंचित है, कल्याणकारी योजना कोसों दूर है। इसी को लेकर जिला परिषद प्रत्याशी अकमल शमशी ने टेढ़ाघाट प्रखंड क्षेत्र के हाटगांव पंचायत के आदिवासी गांव का दौरा किया और वही लोगों ने जिला परिषद प्रत्याशी अकमल शमशी को वार्ड में हो रहे जनसमस्या से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वार्ड में न ही शुद्ध पेयजल है, न ही सड़क और न ही कोई चिकित्सा सेवा है, न कोई विद्यालय, जिससे हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला परिषद प्रत्याशी अबू बशर ने आवेदन लिखकर टेढ़ाघाट प्रखंड विकास पदाधिकारी गुंजारी कुमार पंडित से मांग किया है कि आदिवासी समाज के लोगों की वार्ड में मूलभूत सुविधा मुहैया कराया जाए ताकि वहां के लोग जीवन व्यापन करें, जिसमें मुख्य रूप से वार्ड सदस्य जाहिद आलम मौजूद थे। विधायक अंजार नईमी ने लौचा पंचायत के कनके नदी कटाव स्थल का जायजा लिया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, ग्रामीण मुख्य रूप से शामिल थे। बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र के लौचा पंचायत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बहादुरगंज विधायक अंजय नईमी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ लौचा पंचायत में जिस जगह कटाव हो रहा था उसका जायजा लिया। ज्ञातों के लौचा पंचायत में नदी से कटाव से पहले विधायक अंजय नईमी ने जायजा लिया था, उसके बाद कटाव रोधक कार्य शुरू किया गया था। आज कटाव रोधक कार्य स्थल का जायजा लिया और कटाव रोधक कार्य का जायजा लिया और वहीं संवेदक को अच्छी तरह से कटाव रोधक कार्य कराने की बात कही। लगातार क्षेत्र का दौरा कर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों की जनसमस्या को सुन रहे हैं और वहीं लौचा पंचायत में कनके नदी से कटाव क्षेत्र का जायजा लिया और वहीं सड़कों का भी जायजा लिया। विधायक अंजय नेवी ने कहा कि धीरे धीरे सभी समस्या दूर की जाएगी पंचायत का। जिला परिषद प्रत्याशी अकमल शमशी ने टेढ़ाघाट प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायतों का दौरा कर पंचायत के लोगों से मुलाकात किया। हुई पंचायत के लोगों ने जिला परिषद प्रत्याशी अकमल शमशी को पंचायत में हो रही जनसमस्या से अवगत कराया। लगातार क्षेत्र का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों के बीच पहुँच कर लोगों की जनसमस्या को सुन रहे हैं। जिला परिषद प्रत्याशी अकमल शमशी इसी क्रम टेढ़ाघाट प्रखंड क्षेत्र के खनियाबाद पंचायत के अलग अलग गाँव का दौरा कर लोगों से मुलाकात किया। लोगों ने पंचायत में हो रही जनसमस्या से अवगत कराया। जिला परिषद प्रत्याशी अकमल शमशी को अकमल शमशी ने पंचायत की समस्या समाधान करने की बात कही। आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर लगातार क्षेत्र का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों के बीच पहुंचकर लोगों की जनसमस्या को सुन रहे और आगामी ग्राम पंचायत चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। जिला परिषद प्रत्याशी अकमल शमशी प्रखंड क्षेत्र के दुर्गापुर बनगमा पंचायत में नदी की कटाव का जायजा लेने पहुंचे जल निशन विभाग के टीम एवं स्थानीय जिला परिषद प्रतिनिधि इमरान आलम लगातार क्षेत्र का दौरा कर लोगों की जनसमस्या को सुन रहे हैं। इसी क्रम बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र के दुर्गापुर बनगमा पंचायत में नदी किनारे बसे गांव के लोगों को बचाने को लेकर जल मिशन विभाग के टीम ने कटाव रोधक कार्य शुरू कर दिया है। तस्वीरों में देख रहे हैं कि बम्बू पाइलिंग किया जा रहा है ताकि कटाव रोक सके। बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र के दुर्गापुर बनगमा पंचायत में कटाव रोधक कार्य स्थल का जायजा लेने पहुंचे जिला परिषद प्रतिनिधि इमरान आलम एवं जल निशन विभाग के टीम द्वारा पंचायत के अलग अलग गांव का दौरा कर कटाव रोधक कार्य का जायजा लिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के युवा नेता नाजिर आलम ने बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र के लौचा पंचायत का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। वहीं लौचा पंचायत के लोगों ने नदी से कटाव स्थल का
जायजा लेने पहुंचे। वहीं पंचायत के लोगों ने कहा कि देखिए किस तरह से हम लोग का गाँव नदी में विलीन हो रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के युवा नेता नाजिर आलम ने पंचायत के लोगों से कहा कि विधायक अंजा नईमी से मिलकर पंचायत की जनसमस्या से अवगत कराया जाएगा और जल्द ही कटाव रोधक कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ज्ञात हो कि फिलहाल जल मिशन विभाग की टीम ने बम्बू पालन किया गया है, लेकिन फिर भी कटाव जारी है लोचा पंचायत में।